नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथा पाइपरिटा के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निरंतर से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथा पाइपरिटा पेपरमिंट के सिम्टम। मेंथा पाइपरिटा औषधियों का प्रयोग शीतग्राही और स्नायुओं को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। मेंथा पाइपरिटा औषधि का प्रयोग शीतग्राही स्नायुओं को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। इस औषधि का सेवन करते ही सामान्य तापमान में चलती हुई हवा की लहर भी ठंडी महसूस होती है। इस औषधि की प्रमुख क्रिया श्वसन अंगों और त्वचा पर होती है। पाचन तंत्रों से संबंधित दर्द होने पर इस औषधि का लाभदायक प्रभाव होता है, जिसके फलस्वरूप पाचन तंत्रों का कार्य सही हो जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। मेंथा पाइपरिटा औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है, जैसे पेट से संबंधित लक्षण, पेट फूल रहा हो जिसके कारण रोगी को नींद नहीं आती हो, पेट फूलने के कारण यदि रोगी को नींद नहीं आती हो, या छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, या पित्त में दर्द हो रहा हो, तथा इसके साथ ही पेट में वायु भी बन रही हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेंथा पाइपरिटा औषधि का उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है। श्वसन संस्थान से संबंधित लक्षण, आवाज़ बैठ गई हो, नाक की नोक को छूने पर दर्द महसूस हो रहा हो, गला शुष्क तथा दर्दनाक हो गई हो और ऐसा महसूस हो रहा हो कि गले के आर पार कोई पिन चुभ गया है, सूखी खांसी तथा स्वरयंत्र में हवा जाने पर ठंड महसूस हो रही हो, श्वास लेने वाले अंगों को छूने में दर्द भी हो रहा हो, इस प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण में पीड़ित लक्षणों के रोगी को रोग को ठीक करने के लिए मेंथा पाइपरिटा औषधि का उपयोग करना काफ़ी श्रेयस्कर रहता है। चर्म रोग संबंधित लक्षण त्वचा रोग। रोगी की त्वचा पर खरोंच लगने में से खरोंच वाला भाग घाव बन गया हो, लिखते समय बाँव और हाथों में खुजलाहट, स्त्री रोगी की योनि में खुजली हो रही हो, छाजन रोग हो गया हो, इस प्रकार के चर्म रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए मेंथा पाइपरिटा औषधि का सेवन करना चाहिए। संबंध रिलेशन। माथे और कई प्रकार के हड्डियों के दर्द को ठीक करने के लिए रूमेक्स, लैके, मेंथा, प्यूजेलियम तथा यूरोपियन पेनी रॉयल औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे ही लक्षणों के रोगी को ठीक करने के लिए मेंथा पाइपरिटा औषधि का उपयोग किया जाता है। अतः इन औषधियों के कुछ गुणों की तुलना आप मेंथा पाइपरिटा औषधि से आप कर सकते हैं। रोगी को कम पेशाब आता हो तथा उसके साथ ही बार बार पेशाब करने की इच्छा हो रही हो और उसके रोग को ठीक करने के लिए मेंथा विरिडिस तथा स्पीयरमिंट औषधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे ही कुछ लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेंथा पाइपरिटा औषधि का सेवन किया जाता है। अतः इन औषधियों के कुछ गुणों की तुलना आप मेंथा पाइपरिटा औषधि से कर सकते हैं। मात्रा डोजेज। मेंथा पाइपरिटा औषधि की मूलार्थ के 1 से 20 बूंदों से लेकर 30वीं शक्ति तक का प्रयोग रोग लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। योनि में खुजली होने पर इसके स्थानीय प्रयोग भी किया जाता है। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ अवसर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।